हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 14.5 इंच है, चौड़ाई हमारी 11 इंच है। 6 इंच पे हमने मोढ़े का निशान लगाकर काटा है। ऊपर से हम 2.5 इंच गले के लिए लेंगे और गले की डीपनेस यहाँ पर 10 इंच रखेंगे, तो 10 इंच पर निशान लगा लिए हैं। यहाँ से देखिए बॉक्स बना लेंगे और गले का शेप देंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से गले का शेप दे दिया है और यहाँ से देखिए हम 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे और अब हम इसे काट लेंगे। इस पैटर्न को भी काट लेंगे और इस तरह से शेप देते हुए काटेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले इसे पेस्टी पेपर के ऊपर काट लेते हैं। पेस्टी पेपर के ऊपर पहले बढ़िया से निशान लगाते हुए आगे से पीछे से 1 इंच ज़्यादा लेते हुए निशान लगा लेंगे और अब हम इसे काट लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न दिखा और यहाँ पर देखिए, इस पैटर्न को भी हम काट लेंगे आगे निशान लगाते हुए। और यहाँ पर देखिए, ब्लाउज के कपड़े को पहले फैलाएंगे, उसके ऊपर अस्तर के कपड़े को फैला लेंगे और हर जगह पहले पिन अटैच कर लेते हैं, फिर हम सिलाई लगाएंगे गले की। तो देखिए, हमने गले की सिलाई लगा लिए हैं। यहाँ से बीच से कपड़े को काट कर निकाल लेंगे, हल्का हल्का कट लगाएंगे पूरे गले के ऊपर और अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से पलटने के बाद हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पर देखिए, अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने लगा लिया है। ये देखिए, जो हमने पेस्टी पेपर से पैटर्न काटा है उसे आयरन से हमने चिपका लिए हैं और अब हम इसे काट लेंगे। तो देखिए, हमने अच्छी तरह से सभी पीस को काट लिए हैं और इसके बाद देखिए, हम इसे इस कपड़े पर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरह से देखिए, रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, हमने अच्छी तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लिया है और अब हम इसे काट लेंगे। इसी तरह से सभी पीस को बना लेंगे। तो देखिए, हमने बना लिए हैं। यहाँ से देखिए, बीच से हम काट कर अलग कर लेंगे और यहाँ पर हम कुछ तिरछी पट्टियाँ ले लिए हैं। इसे एक साइड हम मोड़ लेंगे और दूसरे साइड से हम अपने गले के ऊपर इस ये जो हमने पैटर्न बनाया है उसके ऊपर पाइपिंग बना लेंगे। इस तरह से देखिए, तो देखिए, हमने सभी पीस में पाइपिंग बना लिए हैं और अब हम देखिए इसे इस पर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, हम इस तरह से सभी पीस को जोड़ लेंगे। और अब हम देखिए इसे अपने ब्लाउज के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसे अटैच कर लिया है और अब हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, पिन निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर नीचे का दोनों प्लेट बना लेते हैं पहले। और यहाँ पर देखिए, हम 1 इंच का पट्टी लिए हैं, इसे नीचे साइड रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक लेस ले लिए हैं और गले के ऊपर लेस लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पसंद आने पर